गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th, गद्यखंड भाग का हम फोर्थ लेसन कर रहे हैं बेटा। आज फोर्थ लेसन है हमारा विदाई संभाषण, जिनके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। कौन है लेखक? जिनके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। सबसे पहले इसका जीवन परिचय करते हैं। श्री बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमने अंग्रेजी जीवन परिचय में लिखना है तो आपने लिखना है कि श्री बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य के में एक महत्वपूर्ण स्थान हैं। उनका जन्म सन 1865 ईस्वी में रोहतक जिले के गुड़ियाने गांव में लाला पूरनमल के यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1865 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? गुड़ियाने गांव में हुआ था। अब यह गांव जिला झज्जर में आता है। यानी कि बाल मुकुंद गुप्त की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी और इसके बाद में इन्होंने इनका आरंभ 21 वर्ष इन्होंने इनके दादा के देहांत के बाद इनको अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी थी। जब बाद में अध्ययन आरंभ किया गया तो 21 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने केवल 10वीं की ही परीक्षा पास की थी, यानी कि मिडिल परीक्षा ही पास की थी, जिसको 10वीं भी बोलते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जिन्हें अखबारों के संपादकीय विभाग से भी जुड़ गए थे। बाल मुकुंद गुप्त यानी कि संपादकीय जो विभाग होते हैं उनसे जुड़े हुए थे। इसके बाद में उनका स्थान हिंदी भाषा की ओर हुआ था। भारत प्रताप पत्र के साथ साथ जुड़ने के साथ साथ इन्होंने हिंदी लेखन में भी सुधार किया था। 1907 से 42 वर्ष यानी उसमें इनकी आयु केवल 42 वर्ष ही हुई थी और इनका देहांत हो गया था। फिर करनी है आपने इनकी प्रमुख रचनाएं। जीवन परिचय में सिर्फ हमने इनका जन्म 1865 ईस्वी में गुड़ियाने जिले के पूर्णमल नामक गांव में हुआ था। ये एक प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में हुई थी। इनके दादा के मरने के बाद केवल इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में इनकी केवल 10वीं परीक्षा ही इन्होंने पास की थी और ये अखबारों में के संपादकीय विभाग से जुड़ गए थे। 42 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। इसके बाद में इनकी रचनाएं हैं शिव शंभू के यानी कि बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं हैं शिव शंभू के विदे। शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत इनके सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यात्मक सामाजिक और राजनीतिक निबंधों के संग्रह हैं। सन 1905 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्ते निम्धावली शीर्षक में प्रकाशित हुए हैं। इसमें 50 निबंध भी प्रकाशित हो चुके हैं, संकलित हो चुके हैं। इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं में जैसे राष्ट्रीय भाव कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने प्रहादिनता बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम में उनके साहित्य का मुख्य विषय रहा है। यानी कि राष्ट्रीयता भावना के प्रति और हिंदी प्रेम के प्रति इनका रुझान रहा है, मुख्य विषय रहा है। यदि गहराई में उनके साहित्य का यदि अध्ययन किया जाता है तो वे राष्ट्रीयता उनके साहित्य का प्रमुख स्वर भी रहा है। सेकंड में यदि गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी में इसमें लिखना है कि बाल मुकुंद जो गुप्त होती हैं गांधीवाद के प्रति अहिंसा सत्य सिद्धांतों आदि में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। फिर भी कहीं कहीं पर इनकी जो तेवर होते हैं तेज तरार प्रतीत हो रहे हैं। काव्य रचना में उन्होंने कहा है कि हमें विदेशी भारत को नकार कर चरखा काटना लघु तथा कुटीर उद्योगों आदि को प्रधानता भी होने दी। लोक जागरण के द्विवेदी युगीन ने के कारण गुप्त जी ने साहित्यिक में लोक जागरण का हमें स्वर भी सुनाई देता है। इनकी परतंत्रता धार्मिक आडंबरों आदि का भी उन्होंने चित्रण किया है। गुप्त जी विदेशी वस्तुओं में त्याग की भावना पर उन्होंने विशेष बल दिया है और अपने विभिन्न लेखों कविताओं आदि का वर्णन भी उन्होंने किया है। अनुवाद कार्य की श्री बाल मुकुंद गुप्त एक अच्छे अनुवादक भी थे। उन्होंने
संस्कृत की रत्नावली, नाटक और बांग्ला के बड़े भगिनी का सुंदर अनुवाद भी किया है। इस प्रकार उन्होंने अपने उच्च स्तरीय रचनाओं का अनुवाद संग्रह किया है। समाज सुधार की भावना, इन्होंने नारी सुधार पर खूब विषय भी लिखा है। सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। उन्होंने समाज तथा देश के विरोधी बलों का वर्णन किया है। भाषा शैली सहज व सरल है, अधिकाराधीन है। इसमें तत्सम तद्भुत शब्दों का प्रयोग भी किया है। वे मूलतः स्पल निबंधकार वे संपादक भी हैं। भावाभिव्यक्ति का भी वर्णन किया गया है। जीवन परिचय के अंदर सिर्फ आपने यही लिखना है उनका जन्म, जीवन परिचय, उनका जन्म, मृत्यु, शिक्षाएं, फिर उनकी रचनाएं, उनकी तीन चार साहित्यिक विशेषताएं और लास्ट में भाषा से। अब हम इसका सार करते हैं। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। यानी कि माय लॉर्ड कहते हैं कि शासन में कहते हैं कि आप इस देश में किसी का कोई अंत नहीं होता, लेकिन संसार में सब बातों का अंत है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई अंत ना होता। इससे आपके शासन काल का भी अंत होगा। चाहे आपके एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते हैं, किंतु इतनी जल्दी बहस में पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ने आपका ही था और ने इस देश के निवासियों का। कि लेखक यानी कि बालमुकुंद गुप्त जो होते हैं वे माय लॉर्ड से कहते हैं कि आप कहते हो कि मेरा तो जो का शासन है काफी साल तक चलेगा। वह कहते कि ऐसे संसार के अंदर कोई भी चीज नहीं जिसका अंत नहीं होता। अंत तो एक ने एक दिन सभी का होता है, इसमें चाहे कोई भी हो। तो वे कहते कि इतना जल्दी आपका अंत हो जाएगा ये चीज हमने कभी सोची भी नहीं थी। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं चल सकता। वह कहते इस यानी कि यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग होते हैं इनके बीच में तीसरी शक्ति किसको बोला, भगवान को बोलना है। अब जिसके सामने किसी का कोई बस नहीं चलता है कि एक शक्ति और भी है जो किसी के काबू, आपके भी काबू, आप भी उसे काबू नहीं कर सकते, आप भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब उसका जाता है जैसे आपके भाग्य में कहते जो चीजें लिख रखी वैसा ही होता है। बिछुड़न समय बड़ा करुणा तो पादक होता है। आपको बिछुड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किस प्रकार खुश है। ये हमारा गद्यांश है बेटा, ये बिछुड़न समय से लेकर के ये है हमारा आविर्भाव उस समय होता है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में संकलित विदाई संभाषण नामक पाठ से ली गई है, जिनमें इनकी लेखक बालमुकुंद गुप्त हैं। इन्होंने इन पंक्तियों के अंदर लॉर्ड कर्जन की जब विदाई होती है उसमें, यानी कि सभी लोग पहले तो सोचते थे कि लॉर्ड कर्जन जो माय लॉर्ड होता है इसका शासन बदल जाए, ये हट जाए, चला जाए ही शासन को छोड़ कर। लेकिन उसकी जब विदाई होती है तो सभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो उसकी व्यंग्यात्मक शैली में अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करते हुए लेखक क्या कहना चाहता है, इसमें इसके लेखक माय लॉर्ड बालमुकुंद गुप्त माय लॉर्ड की विदाई के समय बताते हुए, विदाई के समय अत्यधिक करुणा और सहानुभूति करने वाला होता है उसमें बताते लेखक ने क्या कहा है कि हे मेरे स्वामी, बिछुड़न समय करुणात्पादक अदक यानी कि करुणा पैदा करने वाला। कि लेखक क्या कहता है कि इसमें माय लॉर्ड को संबोधित करते हुए कि हे मेरे स्वामी, आपको भारत वर्ष से बिछुड़ते हुए देखकर करुणात्पादक दुख, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। कि हे मेरे स्वामी, आपको इस देश से भारत वर्ष से बिछुड़ते देखकर
मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि पहले तो भारतवासी सोच रहे थे कि माई लॉर्ड यानी कि चला जाए हमारे देश को छोड़कर, लेकिन आज उन लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस भारत में दूसरी बार आने पर भारतवासी किसी प्रकार से खुश नहीं थे कि आपको बिछुड़ते देखकर आज हृदय क्या रहा कांप रहा है, दुखी हो रहा है, और ये बिछुड़न का समय बड़ा करुणादायक होता है। लेखक कहता है कि हे बिछुड़न का समय तो क्या बड़ा करुणादायी होता है, आज आपको ही बिछुड़ते देखकर हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा, हमारा हृदय कांप रहा है। माई लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी कि माई लॉर्ड, जब आप दूसरी बार आपका शासन हमारे इस भारतवर्ष पर हुआ था उस समय यानी कि भारतवर्ष का एक एक निवासी आपको देखकर खुश नहीं था, लेकिन प्रसन्न नहीं थे, लेकिन आज फिर भी वो क्या कर रहे हैं, आप जब जा रहे हो तो उन्होंने आपके जाने का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आए, यानी कि वे भारतवासी लोग यही चाहते थे कि दोबारा से आपका शासन इस भारत पर ना हो, लेकिन उन भारतवासियों के न चाहने पर भी आपका शासन दोबारा से हो गया है। लेकिन आपके चले जाने पर ये भारतवर्ष का है दुखी हो रही, फिर न आगे यानी कि सभी कहते दोबारा से आपका शासन इस देश पर ना हो, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, और फिर दोबारा से आपका शासन इस देश पर जब हो जाता है तो आपके शासन को देख करके लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, वे सभी लोग भारतवासी क्या सोचते थे कि आप यहाँ से जल्द चले जाएं, और आपके चले जाने में ही भारतवर्ष का भला है, और जब आज आप जा रहे हो तो आज इन भारतवासियों को बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद है, लेकिन जब आप जा रहे हो छोड़कर तो आज इन भारतवासियों को आपके जाने की खुशी की जगह विषाद दुख हो रहा है। इसी से जाने की बिछुड़न समय करुणा उत्पादक होता है। फिर लेखक बताता है यही बिछुड़ने का विदाई का समय होता है, बड़ा दुखदाई होता है। लेखक ने कहा था कि बिछुड़ने का उन्हें विदाई का जो समय होता है बड़ा ही दुख देने वाला होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। कि ये जो बिछुड़न का जो समय बताया गया था कि यह समय अत्यंत क्या है, निर्मल है, पवित्र है और नाजुक भी होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव होता है कि उस समय हमारा जो हृदय होता है निर्मल छल रहित हो जाता है। हम उस समय सभी प्रकार के वैर भाव को भूल करके क्या होते हैं, शांत रस का आगमन हमारे हृदय के अंदर होने लगता है। यानी कि माई लॉर्ड ने जो हम पर अत्याचार किए हैं उस समय जब उसकी विदाई हो रही थी हम सारे उन दुख दर्दों को भूल कर भी हमारे मन में क्या होता है, शांत रस का आगमन हो रहा है। इसके बाद में इसका विशेष लिखना आपने यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल और उसके जाने के बाद की जो मनोदशा होती है लोगों के भारतवासियों की उसका वर्णन करते हुए कहा गया है। सेकंड की भाषा सहज व सरल है, भावानुकूल है, जिन्होंने उर्दू अंग्रेजी शब्दों का तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसी के बाद में इसी गद्यांश के कुछ नाम सर हैं, जैसे इसमें आता है पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम इसमें क्या था, विदाई संभाषण, लेखक कौन थे इनके, बालमुकुंद गुप्त। इस गद्यांश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा उनकी विवस्था को त्याग कर त्याग पत्र देने का जो करारा व्यंग्य किया गया है, उनके अनेक नए अत्याचार हैं, अहंकारी व्यक्ति बताया गया उसको कि दूसरी बार भी जब भारत में ये वायसराय बनकर आया था सभी लोग इनके को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। भारतवासी दूसरी बार किसे नहीं आने देना चाहते थे, लॉर्ड कर्जन को, यानी कि लॉर्ड कर्जन को दूसरी बार भारतवासी नहीं आने देना चाहते थे। और क्यों, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी नीति अपनाई थी जिनके जो भारतवासी लोगों के विरोध थी, और वे सदा क्या करते थे, अपनी मनमानी करते थे और उन भारतवासी लोगों को हमेशा दुख पहुंचाते थे, इसलिए सभी लोग उनको देख करके खुश नहीं थे।
अगला है, लेखक ने विदाई के समय को कैसा बताया है? कि लेखक ने विदाई का जो समय क्या बताया था? करुणोत्पादक होता है, यानी कि दुख देने वाला होता है जो विदाई का होता है। कि विदाई के समय उस व्यक्ति के सभी अवगुण भी हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं और प्रेम के साथ उसे हम विदा करते हैं। सभी प्रकार के मन में वैर भाव दुश्मनी आदि जो चीजें होती है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम लॉर्ड कर्जन जब भारत में शासन करने के लिए आते उस समय सभी लोग उसे बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन आज वो जा रहे थे, अब वो खुशी की बजाय दुख व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि जो ये विदाई का जो समय होता है उसने क्या बताया था, कि विदाई का समय बड़ा ही निर्मल पवित्र बताया था, बड़ा निर्मल पवित्र और कोमल होता है। इस फर्स्ट गद्यांश है कि क्वेश्चन आंसर, इनकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर। सेकंड अब आगे देखते हैं। बोला मैंने माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। हुआ इससे नहीं जानता कि वहां बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को बिछुड़ने के समय उदास देखा। कि बिछुड़न का समय तो ऐसा होता है, उसमें क्या होते हैं हमारे जैसे प्रकार से जो पशु पक्षी होते हैं, वे कहते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार से वे एक समय की बात बताते हैं कि एक बार शिव शंभु के दो गायें थी, उनमें से एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सिंगों की एक बार श्री शंभू के दो गायें थीं उनके एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सिंगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। कि बिछुड़न का समय वह गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को देती थी। मैं कहते कि देखो, जानवरों के अंदर भी बिछुड़ने का समय उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये नहीं कि भी जो इंसान होते हैं केवल जब वो बिछुड़ते हैं केवल उनको दुख होता है, दुख तो सभी को होता है। तो मैं कहते कि एक बताता है कि एक बार श्री शंभू के पास दो गायें होती हैं, एक तो बहुत बलशाली होती है, एक बेचारी बहुत कमजोर होती है, सूधी जिसको हम बोलते हैं। तो वह जो बलशाली जो गाय होती है वह उस बेचारे कमजोर गाय को क्या करते, रोज मारते। तो एक दा इन शिव शंभू को गुस्सा आ जाता है। उसने देखा कि अपनी जो बलशाली जो गाय होती है वह पुरोहित को दे देता है। तो उसके बाद जब दे दी जाती है, उसके देखा कि दुर्लभ गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं है। तो देखो, वह कहते हैं कि उस समय जब वह बलशाली गाय दी जाती है तो वह कमजोर गाय होती है, उसके जाने के बाद वह उस दिन बहुत ज्यादा दुख है उसे। वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी थी, यानी कि उस दिन क्या किया उसने, उसके जाने के बाद उसने कुछ नहीं खाया पिया, वह भूखी ही खड़ी रह जाती, चारा छुआ तक भी नहीं, यानी कि उसने चारे तक मुंह तक भी नहीं लगाया। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। तो फिर यानी कि लेखक कहता है कि माय लॉर्ड, देखो जहाँ पर पशु पक्षी आपस में बिछड़ने के बाद भी, जबकि वह उसे हर रोज तंग करती थी, दुखी करती थी, मारती थी, लेकिन फिर भी उसके जाने का उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो कहते कि तो फिर वहां के मनुष्यों की दशा भी आप देख सकते हैं कि मनुष्यों की दशा कैसी हो सकती है। आगे है, आगे इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। ये भी हमारा गद्यांश है, यहाँ से लिख करके यहाँ तक, यही फिर प्रश्न लिखना है इसमें कि इनमें इनके कवि भी जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, उन्होंने किस चीज का वर्णन करते भी वो बताया है कि जब एक बार वैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे शासक आते, लेकिन एक ने एक दिन तो क्या होता है, उन सभी को जाना पड़ता है, चाहे कोई घमंडी है, अहंकारी है, सभी को क्या है। लेकिन लॉर्ड कर्जन का भी हमें ये नहीं पता था कि वो जाएंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी जाएंगे ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसके बारे में बताते हैं, आगे इस देश में जो शासक आए हैं, इसमें इसके कवि ने बताया है कि यहाँ पर देश के अंदर बाहर से अनेक शासन आए, लेकिन अंत उन्हें जाना भी पड़ा। ये नहीं कि वो यहाँ यहीं के यहीं रह गए, उन्होंने क्या जाना भी पड़ा।
कि बाहर से आगे हमारे इस देश के अंदर अनेक शासक आए हैं, लेकिन उन सभी शासकों को एक न एक दिन छोड़ भी पड़ा है। इसलिए कि लॉर्ड कर्जन का यहाँ से जाना इस परंपरा से कुछ अलग तो नहीं है कि यदि लॉर्ड कर्जन जब इस देश से इसके जिले जाएंगे, विदाई हो जाएगी, तो उनका कोई अलग चीज नहीं है कि जो इस संसार के अंदर आया है उसको एक न एक दिन तब से जाना ही होगा। तो कहते कि आपका जन्म परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है कि ये परंपरा, ये रीति रिवाज तो चली आ रही है कि जो इस देश में आएगा वो एक न एक दिन जाएगा, ये परंपरा से कुछ अलग तो नहीं लगा है, वो जाएगा तो अब से ही गा। तथापि आपके इस शासनकाल का नाटक घोर दुखांत, पर लॉर्ड कर्जन का जाना उनके शासनकाल के अंत से अत्यंत दुखी है, बहुत ज्यादा दुख है। आज देखिए भारतीय जनता तो उनके स्वयं सूत्र साथ में बंधी हुई है। यदि आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उन सबके लिए अंत में दुख जाने के लिए साबित हुआ है। आरंभ में वह कहता है कि नाटक के आरंभ में क्या था, आरंभ में बहुत ज्यादा सुख था, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा, पहले बहुत ज्यादा सुख भी था, बीच में अत्यधिक सुख दुख भी आ जाता है, फिर सुख आ जाता है, ये परंपरा तो ऐसी चली रहती है। लेकिन स्वयं लॉर्ड कर्जन भी नहीं जानता था इस चीज को कि वह कौन, किस चीज को नहीं जानता था कि जो चीज वो कर रहा है वो उसके ही विरुद्ध हो सकती है, उसका अंत ऐसे जो आश्रय सुखांत नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन स्वयं भी नहीं जानता था कि वो भारतवासियों के लिए अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उसने जो खेल खेला है, लेकिन उसको स्वयं ये नहीं पता था कि वह खेल उसके लिए ही दुखदायक सिद्ध हो सकता है, वो नहीं जानता था इस चीज को। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन को ही अत्यधिक दुख का सामना करना पड़ा, वह स्वयं ही उसमें फंस चुका है। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। वह कहते कि जिसके आदि यानी कि सबसे पहले उसके जीवन में बहुत ज्यादा सुख ही सुख था, लेकिन बीच में भी थोड़ा सा सुख से उभार, लेकिन अंत में तो क्या हुआ, अंत में उसके जीवन में इतने ज्यादा दुख ही दुख आ गए। उसने कभी ये चीज सोचा भी नहीं, सोची भी नहीं थी कि जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करने वाला व्यक्ति कभी उसके साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती है, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज सारा उसी के ही विपरीत, जो खेल वह भारतवासियों के लोगों के सामने को सताने के लिए दे रहा था, लोगों को सताता था, दुख देता था, लेकिन वह दुख आज उसे ही हो रहा है। वह घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, वह उसके अंदर इतना घमंड अहंकार भरा हुआ था कि मैं दूसरों को अपना खेल दिखाता हूँ। लॉर्ड कर्जन ये नहीं जानता था कि मैं घमंडी खिलाड़ी समझता है और क्या दूसरों को खेल दिखाता, किंतु पर्दे के पीछे एक और भी लीला मैं की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। मैं दूसरों के स्कोप में खेल दिखाता, किंतु वह नहीं समझता कि पर्दे के पीछे भगवान जो लीलाधारी ईश्वर की गतिशीलता रहती है, बड़े बड़े यानी कि घमंडी जो लोग होते हैं भगवान के सामने, उनका घमंड क्या होता है, चूर चूर हो जाता है कि वो जो सोच रहा है, लेकिन पीछे एक लीला किसकी, भगवान की लीला, भगवान तो सब कुछ देख रहा है कि ये किसके साथ कैसा न्याय कर रहा है, और लेकिन उसको खबर नहीं है उस चीज की, क्योंकि वो केवल भगवान ही जानता है उसके साथ कब क्या करने है। कि वह कहते कि बड़े बड़े जो घमंडी लोग होते हैं, उन घमंडियों का भी इस भगवान के सामने, इस ईश्वर की लीला के सामने उनका घमंड भी चूर चूर हो गया है। जिस प्रकार से यानी कि वह रावण बहुत ही बलशाली एक घमंडी व्यक्ति था जब वो सीता को धारण करके लेकर आए, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अंत ऐसे हो सकता है। लेकिन उसने जो गलत कार्य किया था, भगवान उसको देख रहा है, उसकी लीला को देख रहा है कि ये शक्तिशाली बलशाली है, सभी चीजों का ज्ञान भी है, लेकिन उसमें उसका घमंड अहंकार ज्ञान सब सब समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या कहते, उसमें उसका घमंड भी क्या चूर चूर हो गया है, और उसको भी अंत हो गया।
तो कहा गया है कि संसार में जो आता है उसका अंत एक न एक दिन तो अब से ही होता है। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है कि इसमें लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दुखांत के समय का वर्णन किया गया है। इसमें इनकी भाषा सहज व सरल भी मानी गई है कि लॉर्ड कर्जन भारत की गरीब जनता में सदा के लिए गुलाम बनाना चाहता निराशा मनुस्थिति आदि का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर है, इसमें पाठ का नाम विदाई संभाषण है, इनके लेखक हैं बालमुकुंद बोध। इस गद्यांश में किसके शासन को दुखांत कहा गया है और क्यों कहा गया है? कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को बड़ा ही दुखांत कहा गया है। क्यों कहा? क्योंकि लॉर्ड कर्जन सदा ही मनमाना अपना शासन चलाता था, अपनी इच्छा से ही काम करता था, इच्छा का कभी उसने सम्मान नहीं किया। भारतीय लोगों की इच्छा का उन्हें कभी सम्मान नहीं किया। जब भारत के लोग उन्हें कहते कि हमें इस चीज़ की जरूरत है, हमारा शासन इस तरह से, उस समय वो उनकी नहीं सुनता, केवल सिर्फ वो अपने सुख के बारे में सोचता था। तो भारतीयों के प्रति उनके अन्याय, उनके अत्याचार आदि की जा रही थी। ब्रिटेन के लोगों पर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लास्ट में इसने अपने अहंकारी घमंड के कारण क्या किया था? त्याग पत्र देकर जाना था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कैसा रहा? कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल भारतीय जनता के लिए बड़ा ही दुखदायी था, कष्टदायक था। मैं सोचता था कि भारत विरोधी और दमनकारी नीतियों का भारतीय जनता को कुचल कर रख दिया, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो अपने विपरीत तो शासन अच्छा ला सुखद रहा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ब्रिटेन में भी उन्होंने अपना विरोध बना लिया था और शासन का अंतिम समय उसके लिए बड़ा दुखदायी भी बना। उसने पहले तो जीवन के अंदर बड़ा ही सुख से वह जीवन व्यतीत करा, लेकिन लास्ट में वही उसके लिए दुखदायी चीजें बन गई। लेखक ने सुख दुख का सूत्रधार किसे बताया? कि लेखक ने अपना सुख दुख भगवान सूत्रधार भगवान को बताया गया था। कि लॉर्ड कर्जन को ये नहीं पता था कि वो लोगों के साथ जो नहीं कर रहा है, लेकिन उसको देखने वाला एक तीसरी शक्ति, तीसरी को क्या, भगवान, लेकिन वो चीज़ ये कभी नहीं समझता था। उसने पता भी नहीं था कि उसके साथ भी, उसके जीवन में भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आ सकती हैं, ऐसा कभी लॉर्ड कर्जन ने सोचा तक भी नहीं था। इस गद्यांश के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, जितना हमने पढ़ा उसी में से फर्स्ट लेसन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, जैसे शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता। अभी बताया था कि शिव शंभू के पास क्या थी, लॉर्ड कर्जन ने सुना कि दो गायें थी, उसमें से एक बड़ी शक्तिशाली थी और एक कमजोर गाय थी। उसने भी भारतवासियों का भला नहीं किया। मैं कहता जिस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने कभी भारतवासियों के भला नहीं किया था, वे सदा उनके देश के हित में नहीं लगता था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। तो मैं कहता कि देखो, लेकिन फिर भी आज हम भारतवासियों को उसके जाने का बड़ा दुख हो रहा है। कि जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर ही नहीं, पशु पक्षियों के अंदर भी हमने ये चीज़ देखी है। किसी शंभू के पास दो गायें होती हैं, एक बड़ी शक्तिशाली होती है, एक वो कमजोर होती है। वो शक्तिशाली गाय जब हर रोज उस कमजोर गाय को मारती हैं, तो लेखक ने क्या कि एक बार उस गाय को पुरोहित को दे देता है शक्तिशाली को, लेकिन उसके चले जाने के बाद उसकी विदाई के समय जो कमजोर गाय होती है उसे बड़ा दुख होता है। उसने खाना तक छोड़ दिया है, पानी तक भी नहीं पिया है, उसके जाने का इतना ज़्यादा दुख था। क्योंकि विदाई के समय बताया गया कि हर प्रकार के जो वैर भाव दुश्मनी होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और प्रेम रस के भाव लीन हो जाते हैं। तो मैं कहते कि हमारे देश में पशु पक्षियों को बिछड़ने का ही बिछड़ने के बाद इतना दुख, इतना उदास देखा गया, तो आप अपने मन में सोच सकते हो तो यहाँ पर मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है। ऐसे करोड़ अन्याय व्यक्ति के लिए भारतीय जनता सहानुभूतिपूर्ण अपना अनुभव किस प्रसार से व्यतीत कर रहे हैं, ये उनकी कहानी के बारे में बताए हैं। एक इसने बताया कि आपके यहाँ निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया? कि यहाँ पर लेखक ने भगवान को कहा है तीसरी शक्ति, कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा करता है, भगवान उनके साथ भी ऐसे ही बुरा करता है। और ये व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता कि भगवान हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। जिस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने कभी नहीं सोचा था, प्रकार जीवन व्यतीत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके जीवन में भी कभी इतना ज़्यादा दुख आ सकता है।
नहीं तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति सर्वोपरि ने भारतीय जनता की शक्ति दोनों से ऊपर है। कि भगवान की इच्छा है, सब उसका ही सार है। इसलिए उन्होंने कहा था कि आपके बाद में आप सोचते कि मैं ही शक्तिशाली, सब कुछ शक्ति मेरी ही है, कुछ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लॉर्ड कर्जन का एक बहुत घमंड था, लेकिन भगवान के सामने इनका जो घमंड होता है वो भी चूर चूर हो जाता है। इसमें से हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, जैसे जो हमने जून परिचय पढ़ा था, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है, हर बार बताया गया था जब हम व्याख्या कर रहे थे, विदाई संभाषण के थे बाल मुकुंद गुप्त। प्रस्तुत पाठ लेखक की किस कृति में संकलित है, क्या था, शिव शंभु के चित्र, यानी कि शिव शंभु के पास जो दो गायें थी उनके बारे में बताते हुए कवि ने कहा था, लेखक ने बताया था। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था, 1865 ईस्वी में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में उनका निधन हो गया था, जब उनकी आयु कितने वर्ष थी, केवल 24 वर्ष की ही थी। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने किया था, यानी कि भारत मित्र, इनमें से कौन सी रचना बाल मुकुंद गुप्त की नहीं है, खेल तमाशा, शिव शंभु के चिट्ठे भी थी, खेल तमाशा भी थी, चिट्ठे और खत थी, यानी कि मृग नयन, मृग के समान नेत्र हैं जिसके, ये बाल मुकुंद गुप्त ने ये रचना नहीं लिखी थी। बाल मुकुंद गुप्त किस काल के पत्र माने जाते हैं, राष्ट्रीय नव जागरण के पत्रकाल माने जाते हैं। लेखक ने ये विदाई संभाषण किस संग्रह शासक की विदाई के समय लिखा था, लॉर्ड कर्जन की जब विदाई हो रही थी उसमें उन्होंने कहा। लेखक ने तीसरी शक्ति विदाई किसे कहा था, भगवान को, ईश्वर को कहा था। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है, यानी कि बिछुड़ने का समय बड़ा ही दुखदायी होता है, बड़ा करुणादायक है। बिछुड़ने के समय मन में किस कार किस रस का आविर्भाव होता है, वियोग, दुख का। जब कोई व्यक्ति बिछुड़ता है तो हमारा हृदय बड़ा ही दुखी हो जाता है। शिव शंभु के पास कितने गाय थे, बताया गया था दो गाय थे, एक बलशाली और एक कमजोर गाय। तो हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन चार हमारे अभ्यास परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन हो चुके हैं, और हमारे गद्यांश जीवन परिचय आज का हमारा काम यही है, राइट प्लस लर्न।